कहते हैं एक जिस्म में एक ही जान होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो दिल की धड़कन बन जाती है। पडरौना और स्वामी प्रसाद मौर्य का रिश्ता यही है, एक जिस्म और दो जान। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का पडरौना हमेशा हंसता मुस्कुराता रहा है, उसने कभी दुख नहीं देखे। पडरौना की जनता ने अपनी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, क्योंकि पडरौना की जनता के साथ हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य नाम की एक ढाल रही है, जो हर मुश्किल में पडरौना की जनता के साथ रही है। कभी भाई बनकर, कभी बेटा बनकर पडरौना की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना स्वामी मानती है, मतलब भगवान। जैसे भगवान हर मुश्किल में साथ रहता है, पडरौना की जनता के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन हमेशा साथ रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी पडरौना की जनता को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन सियासत के बेशर्म रहनुमाओं ने सियासत को बाजार में नंगा खड़ा कर दिया और अपने मुनाफे के लिए जिम्मेदारों से किनारा कर लिया, क्योंकि सत्ता के बाजीगरों के ताजों पर ठोकर मार कर चले आने वाले उसूलों के पाबंद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी अपने सिद्धांतों से सौदा नहीं किया। स्वामी प्रसाद ने कभी अपना ज़मीर नहीं बेचा, जनता का भरोसा नहीं बेचा, जनता का विश्वास नहीं बेचा। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पडरौना की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाने की मांग कर रही है। पडरौना की जनता कह रही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ही हमारी आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। कहते हैं सियासत में रहकर जनता का प्यार पाना मुश्किल है, क्योंकि नेता अपने मुनाफे के आगे जनता के ख्वाब बेच देते हैं, जनता की रोटियां खा जाते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना की जनता के लिए अपनी ही थाली परोस दी। यही वजह है कि पडरौना की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना मसीहा मानती है। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार डलमऊ सीट से विधायक बने और दोबारा इसी सीट से 2002 में जीत कर विधानसभा पहुंचे। इस बीच मायावती सरकार में मंत्री भी रहे। 2007 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने अपने कैबिनेट में शामिल किया और साल 2009 का आ चुका था। पडरौना सीट पर उपचुनाव हुआ जिसे जीतकर स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना सीट से जीत दर्ज करते रहे और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना को अपनी कर्म भूमि बना लिया। उत्तर प्रदेश की सियासत इस बात को जानती है कि सूबे की करीब दर्जन भर सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का खास असर रहता है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर हार और जीत का फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथों में होता है। उत्तर प्रदेश की एक दर्जन सीट पर मौर्य समुदाय का वोट 2 लाख से 3.5 लाख है। सलेमपुर, देवरिया, बदायूं, आंवला, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, संभल, इटावा, झांसी और सहारनपुर लोकसभा सीट पर खुद जीतने या फिर किसी दूसरे समुदाय को जिताने में स्वामी प्रसाद मौर्य ताकत रखते हैं। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस भी पार्टी में रहे ताकत के साथ रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा करने वाले दल आज पछता रहे हैं, सोच रहे हैं काश एक ईमानदार नेता को मजबूती के साथ रखा होता तो आज उनका हाथ मजबूत होता। लेकिन पडरौना की जनता अपने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सड़कों पर उतर आई है। जनता कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से लोकसभा का चुनाव लड़ना ही होगा, क्योंकि पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य ने विकास की जो गंगा बहाई है उससे हर समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।